तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रेफरेंसेस फॉर्मूला के बारे में. और रेफरेंसेस फॉर्मूला सॉरी क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला, माफ कीजिएगा मुझसे मिस्टेक हो गई, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे. जैसे कि एक बार देख लेता हूँ, मैंने आपके साथ लॉजिकल को पढ़ा, मैंने आपको टेक्स्ट को पढ़ा, मैंने हमने आपके साथ डेट एंड टाइम को पढ़ा, लुकअप रेफरेंसेस को पढ़ा, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा. इसमें स्टैटिकल फॉर्मूले में भी मैं आपको पढ़ाया, जैसे कि एवरेज, ईव, एवरेज, काउंट, लार्ज, स्मॉल वगैरह मैंने पढ़ाया आपको. लेकिन इसमें सारे फॉर्मूले मैंने भी पढ़ाया, क्योंकि सारे फॉर्मूले बैकग्राउंड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल बैकग्राउंड के थे, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता है इसका बैकग्राउंड, इसलिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो ही हमने पढ़ाया. फिर भी आप अपने अपने हिसाब से एक नजर मार लीजिएगा, कोई ऐसी फॉर्मूला अगर आपको सीखना हो तो मुझसे आप सीख सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले की. देखिए अभी इन्फॉर्मेशन जो फॉर्मूला है उस अकेले काम नहीं करता है, वो किसी फॉर्मूले के साथ मिलके काम करता है, ठीक है ना. जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है सेल का. सेल फॉर्मूला क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट ए सेल, अबाउट ए फाइल. जैसे कि हमने सेल दिया तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सेल का एड्रेस चाहिए, सबके कॉलम नंबर चाहिए, कलर चाहिए, कंटेंट चाहिए, या फिर आपको फाइल नेम चाहिए. तो फाइल नेम हम देख लिए. तो इसका यूज हम लोग करते हैं ये किसी भी सीट का सीट नेम एक्सेल सेल पे प्रिंट करने के लिए, क्योंकि जो सीट का नेम है, क्योंकि सीट के लिए आपके पास फॉर्मूला, जैसे आपने लगाया सीट, सीट लगाया तो आपको बता देता है कि आपके पास कौन सा एक कौन सा सीट है, 13वां सीट है. और आपने फॉर्मूला लगाया सीट्स का फॉर्मूला लगाया तो ये बता देगा कि इसके अंदर टोटल 13 सीट्स है. तो ये सीट हुआ पोजीशंस, और ये सीट किसके और नंबर ऑफ सीट्स. मान लीजिए कि कल के डेट में अगर मैं सीट 2 को यहाँ पोजीशन दे देता हूँ बीच में, तो ये 10 हो गया, देखिए 13 रहा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स है कि कितने नंबर ऑफ सीट फाइल में है. सीट मतलब करंट सीट का नंबर बताएगा, और सीट्स मतलब टोटल सीट का, हाँ टोटल सीट का काउंट बताएगा, और करंट सीट का पोजीशन बताएगा कि कितने सीट बाद है, ठीक है. ठीक है सर. तो इसी तरह से मुझे सीट का नाम चाहिए कि सीट का नाम क्या है, जो सीट टू है, या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया तो ये डेटा यहाँ शो होना चाहिए. तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ इसमें फाइल नेम अगर डालते हैं तो पूरी कंप्लीट फाइल नेम विथ सीट नेम आता है, ठीक है. पूरे फाइल नेम विथ सीट नेम आता है. तो इसमें अब इसमें क्या करना है, इसके बाद चलिए बताते हैं आपको मैं. इसको कैसे निकाले, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है फाइंड का. फाइंड फाइंड फॉर्मूला में आप जो है किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं. तो इसमें हमने यहां पे देखा कि मेरा सीट नेम स्टार्ट हो रहा है किसके बाद, ब्रैकेट के बाद है. हाँ तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को फाइंड किया इसके अंदर में, कॉमा वन स्टार्टिंग से, तो इसने क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का पाथ दे दिया. ठीक है सर. ठीक है सर. और इसके बाद मैं यहां पे फॉर्मूला लगाया राइट का. राइट हमने इसको सिलेक्ट किया
और बोला कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, इस लेंथ में से हमने माइनस किया 53 को, तो हमें भी आ गया डेटा। अब इसको कंबाइन करने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते और ये जो फॉर्मूला है सेल और इसके ऊपर हम B2 जहां जहां है इसी में कर देते हैं ना B2। हाँ, जहां जहां B2 है वहां वहां हम सेल का फॉर्मूले को डाल देते हैं। तो फॉर्मूला मर्जिंग तो जनरली आपको आता ही है, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है कैसे फॉर्मूला को मर्ज करेंगे। अब देखिए सीट का नेम कुछ भी होगा, जैसे मैंने सीट का नाम दे दिया रिपोर्ट्स, तो चेंज करते ही ऊपर आपका रिपोर्ट्स आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है एरर टाइप। अब एरर टाइप आपका जो, जैसे सिस्टम में देखिए कई सारे एरर आते हैं, जैसे कि नल का एरर। आप पहले जान लेते हैं कि एरर कौन सा एरर किस सिचुएशन में आता है। जैसे NULL नल, नल का एरर आता है जब आप कहीं से डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस को कहीं से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे आपको डेटा अगर ब्लैंक मिलता है तो आपके पास जो है नल का एरर आता है। डीआईवी अगर किसी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो डीआईवी आएगा वैल्यू। अगर फॉर्मूला सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा या सही ढंग से उसको इनपुट नहीं मिला है तो क्या होगा, वैल्यू का एरर देगा। आरएफ रेफरेंस का फॉर्मूला जब कब आता है, जब आपने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता या किसी ने डिलीट कर दिया, या फिर आपने ए से बी तक सिलेक्ट, मान लीजिए कि आपने बी लुकअप लगा दी हो, ए से लेके सी तक सिलेक्ट किया और आपने कॉमा फोर दे दिया कॉमा फोर दे दिया तो क्या हुआ, सी तक है तो 3 होना चाहिए ना कॉलम नंबर, लेकिन हमने 4 दे दिया तो 4 दिया, इसका मतलब एरर आएगा। नेम, आपने जो फॉर्मूला डाला है वो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, और नम का एरर कब होता है, कई सारे केसेस में नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा होता है इस कारण से देता है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। और एनए का यूज पता ही आपको कि जितने भी लॉजिकल फॉर्मूला है उसमें एनए का आएगा। गेटिंग अंडरस्कोर डेटा, जब जैसे कि आप अगर किसी सर्वर से या वेबसाइट से कहीं से डेटा को पैच करते हो, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाती है, किसी भी कारण से परफॉर्म नहीं होता है तो उसका एरर आता है हैश गेटा एरर। अब इस सब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा एरर है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरर टाइप, कि आप इसमें जो भी सेलेक्ट करेंगे और जो एरर होगा उसका नंबर आएगा। इनने आया मतलब कि कोई एरर नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डीआईवी 0 कर देता हूं तो यहाँ पे देखिए 2 आया एरर लिस्ट के अकॉर्डिंग। समझ गए जी सर? उसके अलावा कुछ इज के फंक्शन है कि इक्वल इज, इज ब्लैंक, अगर सेल ब्लैंक हुआ तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स। इज एरर, अगर एरर हुआ विदाउट एनए तो ट्रू देगा अदर फॉल्स। इज एरर, किसी भी तरह के एरर में ट्रू एंड फॉल्स। अब याद है हम आपको इफ एरर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद ही होगा? जी सर, जी सर। तो इफ एरर में क्या था कि हम देते थे वैल्यू को सिलेक्ट करते थे, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि पुराने वर्जन के एक्सेल में हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला नहीं था, तो उस केस में हम लोग इज एरर का इस्तेमाल करते कि इफ इज एरर।
इज एरर और हमने इसको सेलेक्ट किया. अगर रिजल्ट ट्रू है तो एरर है, फॉल्स है तो इसका मतलब कि रिकॉर्ड है. इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग इज एरर का. तो ये सब ट्रू एंड फॉल्स होते हैं. ऐसे इज इवन, इज फॉर्मूला, इज लॉजिकल. इज इवन इवन नंबर पे ट्रू फॉल्स देगा, इज फॉर्मूला फॉर्मूला पे ट्रू एंड फॉल्स देगा, इज लॉजिकल लॉजिकल पे देगा, इज एन ए आपको जो हैश एन ए होता है उस पे देगा, मतलब एन ए सिर्फ एरर के पे देगा, और इज नॉन टेक्स्ट जो होगा वो नॉन टेक्स्ट मतलब कि नंबर नहीं होगा सिर्फ टेक्स्ट होगा उस पे देगा, इज नंबर नंबर पे देगा, ऑड ऑड पे देगा. नीचे दो सर है आरएफ रेफरेंस फॉर्मूले पे, इज टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्मूले पे यूज देगा. तो ये सब का इस्तेमाल आगे हम करेंगे. इज टेक्स्ट का इस्तेमाल तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करके दिखाया था ना, याद है? हेलो टेक्स्ट का जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन इसमें अगर टेक्स्ट एंट्री करे तो पता हाईलाइट कर दे. तो हमने होम में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला एंड इक्वल हमने कर दिया इज टेक्स्ट, अब ब्रैकेट ओपन और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अपना जो रेफरेंस है उसको सेलेक्ट कर लिया. तो अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू हो जाएगा और ट्रू होते ही आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है अपना फॉर्मेट कर देगा. ठीक है, एंड फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार. अच्छा ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर से इसको आप पेंट कर दीजिए नीचे की तरफ, जहां भी एरर होगा टेक्स्ट लिखोगे वहां पे आ जाएगा. ठीक है, तो फॉर्मूला बार में इंफॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूले में ये चीजें थी. इन्फो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे इक्वल अगर आपने इन्फो लगाया तो इन्फो में आपको बताएगा कि एक आपका रिलीज क्या है. यहाँ पे हम यूज करते थे रिलीज का, रिलीज मतलब कि एक्सेल कौन सा है. तो एक्सेल 16 है, 16.0 आ गया. उस तरह से इसमें एक आता था आपको सिस्टम, जैसे आपका पीसी एक है डॉस बेस्ड है या मैक है, तो आप वहां पे इस चीज को सिलेक्ट करते तो वहां पे आपको बताता है कि अगर मैक है तो मैक आएगा और पीसी डॉस है तो डॉस आएगा. ठीक है, ठीक है. और उसी तरीके से इस चीज हम इसका इस्तेमाल करते थे. तो जनरली वही फॉर्मूला है, एक बार अपने हिसाब से रिव्यू कर लीजिएगा. ठीक है, हेलो जी सर. हेलो, ठीक है सर. अब इसमें जैसे कि सारे फॉर्मूला वही है, इजर तो वही है, सारे इज के फॉर्मूला जो बता ही दिया था. एन एन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर नंबर हुआ तो देगा, अदरवाइज जीरो कर देगा. ये मैंने आपको टेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ाया था, एन एन देता है, शीट बता दिया, टाइप आपका, ये आपका सेल में क्या लिखा हुआ है वो बताता है. एरर लिखा हुआ है तो 16, नंबर लिखा हुआ है तो 1, टेक्स्ट लिखा हुआ है तो 2. तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. अच्छा सर, ये फाइंड फाइंड के बारे में आपने अभी कुछ देर पहले बताया था. फाइंड और सर्च एक ही जैसा है कि अलग? फाइंड और सर्च एक ही जैसा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. बस यही है कि फाइंड केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है. मतलब फाइंड बड़े छोटे का, बड़े छोटे लेटर का फर्क रखता है और कि आपका सर्च नहीं रखता है. अच्छा, मतलब अभी हमने ये फाइंड लगाया है जिसमें ये हमने ये ब्रैकेट दिया है, इसने ये 53 इसका पोजीशन बताया है ना. हाँ हाँ ठीक. अच्छा, हम सर्च लगाएंगे तो भी यही बताएगा. हाँ ठीक है, और कुछ? बस ठीक है सर. आज आज मैं अकेला ही हूँ लग रहा है सर, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कोई? नहीं है, लेकिन म्यूट किए हुए. तेजेंद्र जी नहीं है ना? तेजेंद्र जी आज उनका हेल्थ में वर्क नहीं कर रहा है. अच्छा तो ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, ठीक है सर.